वेलकम टू द चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा क्लासिक, जो एक बहुत ही इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जिसके अंदर हम देखें अगर यूएसटी की बात करें, यूएसटी भी आज की डेट में 45% तक ये पॉजिटिव गया और इसकी मार्केट कैप में भी इजाफा देखा गया। और उसके साथ अगर वॉल्यूम अगर देखें लास्ट 24 आवर्स में 1211% तक इसकी जो वॉल्यूम है उसके अंदर एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है और लगातार इसकी बर्निंग होती जा रही है। अब बर्निंग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल की डेट में चल रहा है कि LUNC और UST और लूना, इन तीनों को बर्निंग पैटर्न पे लाया जाए। और जिसके रिलेटेड अगर ट्विटर पे अगर हम देखें तो ट्विटर पे बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जैसे आप ये देखें USTC 19,900 ट्वीट्स हो चुके हैं लास्ट 24 आवर्स में और ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। इस टाइम बिटकॉइन और ये दोनों इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। अब बेसिकली CZ बाइनेंस ने भी इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है और CZ बाइनेंस ने 3 बिलियन LUNC को बंद किया और तमाम एक्सचेंजेस को ये बात कही है कि आप सब मिलके सपोर्ट करें इसको, अपना अपना हिस्सा इसमें, अपना रोल इसमें किरदार अदा करें, ताकि जितना जल्दी ये LUNC बर्न होगा और इतना जल्दी लोगों को इसमें बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी फैली हुई है LUNC के रिलेटेड, वही पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बहुत सी इस पर एफर्ट चाहिए, बर्निंग चाहिए। और उसके अलावा एक ट्विटर पे ट्रेंड फॉलो हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि बेसिकली LUNC की लिस्टिंग, LUNC की लिस्टिंग कॉइन बेस के अंदर इस टाइम बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है और लगातार ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि LUNC की बर्निंग के साथ साथ कॉइन बेस के अंदर लिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉइन बेस वर्ल्ड की 2nd नंबर एक्सचेंज है और बहुत हाई वॉल्यूम है उसका। और जैसे आपको पता है कि बहुत सारी एक्सचेंजेस जब मिलके किसी भी कॉइन को सपोर्ट करती हैं तो उसके अंदर हमें एक ह्यूज बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें LUNC की, तो LUNC के अंदर भी इस टाइम जो हमें मार्केट कैप उसके अंदर भी एक इजाफा देखने को मिला है। उसके अलावा वॉल्यूम के अंदर 85% तक हमें ग्रोथ देखने को मिली और लगातार ये बर्न मैकेनिज़म पर चल रहा है, और हम तो LUNC के होल्डर्स तो हैं ही, लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें इसको कुछ मंथ के लिए हम होल्ड करें। क्योंकि जिस तरह की ये बर्निंग प्रोसेस ये जारी हो रहा है, लगातार बर्न 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 प्रोसीजर ये हो रहा है लगातार, इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट लेने का हमें एक मौका है। अब यहाँ पे हम जितना ज़्यादा LUNC को होल्ड कर सकें, आपने वो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करनी है। USTC के मैं आपको इसका रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि USTC एक स्टेबल करेंसी है, ये मैक्सिमम $1 तक जा सकती है। लेकिन टेरा क्लासिक जो है वो $1, $2, $3 तक भी जा सकता है इन फ्यूचर, 4, 5 ईयर, 6 ईयर्स, ये उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा LUNC के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आप लाजमी पुट कीजिए जो आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर्स के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 6 मंथ आपने इसके अंदर होल्डिंग करनी है। और जिस तरह का ये बर्न प्रोसीजर लगातार चल रहा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ आप यहाँ से एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ये थी आज की अपडेट टेरा क्लासिक के रिलेटेड, और कॉइन बेस में लिस्टिंग होने जा रही है कुछ अरसे के अंदर। हम ये भी देख सकते हैं कि कॉइन बेस इसको लिस्ट कर लेगा, जब बहुत सारे ट्वीट्स इसके अंदर होंगे तो कॉइन बेस भी इसको लिस्ट कर लेगा। तो ये थी आज की अपडेट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।